हाई गाइज़, वेलकम टू माई चैनल। माई नेम इज़ प्रिया डोगरा एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में आपके लिए एक नई अपडेट लेकर आई हूँ जो कि इसरो की तरफ से निकल कर आ रही है। सो इसरो ने लॉन्च किया है एक 12 डेज़ का फ्री पाइथन कोर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है। सो इसरो की तरफ से ये जो कोर्स आपके लिए निकाला गया है, इसके अंदर फ्री सर्टिफिकेशन का प्रोसेस भी रखा गया है जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो छोटी से छोटी डिटेल्स भी डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह का कोर्स का आपका पूरा कंटेंट रहेगा, कौन से टारगेटेड पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या आपके कोर्स की फ़ीस कोई होगी या नहीं होगी, सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है, स्केड्यूल पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहूँगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई विल रिक्वेस्ट यू जितनी जल्दी हो सके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जान सकें। चलते हैं इसरो के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो इसरो का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पे आपको डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप ऑनलाइन घर बैठे इसरो की तरफ से जो कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं 94th न्यू कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें ओवरव्यू ऑफ जियो प्रोसेसिंग यूजिंग पाइथन आपको सिखाया जा रहा है। इसके अंदर तीन आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, कोर्स का ब्रोशर अलग से मेंशन करके रखा हुआ है, स्केड्यूल भी मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है उसका लिंक भी दिया गया है। सो सबसे पहले हम ब्रोशर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये कोर्स चलने वाला है जनवरी 17 से लेके 28 तक। सो आपको उससे पहले पहले यहाँ पर अप्लाई करना होगा। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि इसरो की तरफ से जो कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं उसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स निकाली जाती हैं, तो मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ जितनी जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज ऐसा हो सकता है बाद में आपको यहाँ पे सीट्स जो है वो अवेलेबल ना मिलें। कोर्स की बात करें तो जैसे कि आप लोग जान सकते हैं यहाँ पे GIS और पाइथन प्रोग्रामिंग का क्या है उसमें यूज़ है वो आपको सिखाया जाने वाला है। एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक से रिलेटेड आपको यहाँ पे डिटेल्स भी मिल सकती हैं। आपको डेटा प्रोसेसिंग कैसे करनी है, रीसैम्पलिंग, एनालिसिस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर सिखाई जाने वाली हैं। ये सारा प्रोसेस जो होगा वो जियोस्पेशल डेटा पे होगा। सो डेटा आपका जियोस्पेशल रहेगा, इसमें यूज़ करेंगे हम पाइथन को। सो ये आपके पास कोर्स का करिकुलम मेंशन करके रखा गया है। प्रीरिक्विजिट्स की बात की जाए तो आपको रिमोट सेंसिंग और GIS टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत फैमिलैरिटी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए पाइथन का, ये यहाँ पे मांगा गया है। टारगेटेड पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो यहाँ पे फाइनल ईयर के अगर आपको स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप कोई टीचर हैं, फैकल्टी है, रिसर्चर है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं भी हैं बट आपको पाइथन का नॉलेज है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कोर्स का स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, जो भी आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी वो आपको यहाँ पे आपके साथ लेक्चर वीडियोस और जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी विद सॉफ्टवेयर्स एंड डेमोंस्ट्रेशन। अगर आपको कोई चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिल सकती है। कोर्स की फ़ीस की बात करें तो कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आपके पास सर्टिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, सो जब भी आपके कोई लेक्चर्स होंगे उसमें आप मेक श्योर कीजिए कि 70% की अटेंडेंस मेंटेन करके रखिए। अटेंडेंस अगर 70% और उससे अबव है तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट के लिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, सर्टिफिकेट लेने से पहले आपके पास यहाँ पे एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा। अगर टेस्ट में आप 40% और अबव स्कोर करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। सो दो कंडीशन है, 70% अटेंडेंस एंड 40% मार्क्स इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अगर ये आपके आ जाते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियरली मेंशन करके रखा है कि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही आपको यहाँ पे सीट्स अलॉट की जाएंगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। सो ये है सारी डिटेल्स आपके पास। अब बात करते हैं कि कोर्स का स्केड्यूल कैसा रहेगा। सो कोर्स का स्केड्यूल भी मेंशन किया गया है, 17 से स्टार्ट हो जाएगा अप टू 28 तक। सो कौन से दिन में कौन सा टॉपिक समझाया जाने वाला है, कौन सा रिसोर्स पर्सन उसे आपको जो है वो गाइड करेगा, वो भी यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। सो ये है कोर्स का स्केड्यूल। इससे पहले हमने कोर्स का ब्रोशर देख लिया, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। सो उसके लिए आपको फिर से आपके फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, जो कि इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास दिया गया है, क्लिक करते ही आपके पास बोला जाएगा पहले आप रजिस्टर कर लीजिए। सो फुल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड के साथ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी है सो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं ऑलरेडी रजिस्टर पे, आपका ईमेल और आईडी और पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर पाएंगे।
सो ये आप लॉगिन साइनअप जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे आपके पास बोला जाएगा, अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। सो कोर्स है हमारे पास ओवरव्यू ऑफ जियो प्रोसेसिंग यूजिंग पाइथन, ये वाला कोर्स आपने चूज़ करना है। सो कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन चूज़ कर सकते हैं, नोडल सेंटर चूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर आप इंडिविजुअली ही रजिस्टर करें। अगर आप IIRS नोडल सेंटर के थ्रू करते हैं तो आपको यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट की वेरिफिकेशन दिखानी होगी, ये भी शो करना होगा कि आपका इंस्टीट्यूट IIRS नोडल सेंटर के अंदर आता है। अगर आता है तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेक श्योर आप इंडिविजुअली रजिस्टर करें यहाँ पर। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, एक साल में आप सिर्फ 4 से ज़्यादा कोर्सेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ इसलिए मैं आगे फर्दर प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकती अपना, बट यहाँ पे मैं आपको शो करना चाहती हूँ कि आपसे नेक्स्ट डिटेल्स में पूछी जाएंगी, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, प्रोफेशनल डिटेल्स। ये तीनों स्टेप्स करने के बाद आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। इनकेस अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं, उसमें भी मैंने इसरो की तरफ से ये जो पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है ये आपको समझाया है। इनकेस अगर आपको नहीं मिल पाती है वीडियो और कोई और प्रॉब्लम आता है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको मैं ज़रूर से हेल्प करूँगी। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा मौका मिल रहा है इसरो की तरफ से पाइथन सीखने का, सो इस मौके को गवाइए मत, बहुत कम मौका ऐसा मिलता है। बाकी जितनी जल्दी हो सके इसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।